75 साल बाद भी आप और मैं सिर्फ धर्म के ऊपर लड़ेंगे, या फिर हमको मंदिर चाहिए या हॉस्पिटल, स्कूल्स, तमाम चीजें डेवलपमेंट? स्कूल चाहिए जनरल पब्लिक के लिए, हॉस्पिटल स्कूल चाहिए, धर्म क्या है? हम तो सभी धर्म को मानते हैं, मोहम्मदंस को ही मानते हैं, हिंदू को ही मानते हैं, ईसाइयों को ही मानते हैं। जो हमारे अंदर की भावना कहती है हम वो हमारे लिए गाढ़ है। और धर्म के नाम पे इस तरह लूट मचाना, और जितने भी हमारे यहाँ के जो नेता खड़े भए हैं, आज 5 साल में किस गली में वो गया है? सौरभ श्रीवास्तव या नीलकंठ तिवारी हमारे मंत्री किस गली में गए हैं जो आज उनको जो है वोट फिर से दे दिया गया? जो अपने अगल बगल की कालियों का निर्माण न कर सके ऐसे सभासद के लिए थोड़ी है ये हमारा देश। कुछ नेताओं से के चंगुल में फंसा गया है, वो पैसा दे के आते हैं और फिर हम ही लोगों को लूटते हैं। इससे बढ़िया तो वोट न हो, ये तो राजतंत्र हो गया है। सर एक और चीज, एक और चीज भी तो होती है कि अगर उसी लोकतंत्र में आप लोग अगर सवाल उठाते हैं तो वही प्रशासन नेता जो खादी है वो खाकी के सहारे आपको जेल में डलवा देता है। आप ही के जैसा कोई एक काला कोट उसको जेल में हमेशा के लिए टांगने के लिए रहता है। बिल्कुल रहता है, बिल्कुल करप्ट तो है, करप्ट तो है। कौन सी फैसिलिटी मिली? ये निम्न वर्ग को छोड़ दीजिए, पूंजीपतियों के लिए हर चीज महंगी हो गई, उनका पॉकेट भर रहा है। गरीबों को जो अनाज मिल रहा है वो खाने लायक नहीं है। अगर आपको दे दिया जाए तो वो आप खाना नहीं खा सकते। वो गेहूं और चावल जो मिल रहा है वो खाने लायक नहीं है। वो जो लेते हैं बाजार में बेच देते हैं और वो जो है होटल में जाके बिक जाता है। चलिए, शुक्रिया राजकुमार जी बातचीत करने के लिए। ये समस्याएं हैं जिनको आपको आंखें खोल करके देखना है। हम लोग रिपोर्ट आते हैं, रिपोर्ट बनाने के लिए आते हैं। सिटी है तो कम से कम गवर्नमेंट को चाहिए 10-20 स्कूल ऐसा बनवा दें जहां फ्री शिक्षा हो। आप अमेरिका में देखिए 11 तक के जो है बच्चों की जो है फ्री एजुकेशन है, हमारे यहां क्यों नहीं? हमारे यहां सब पूंजीपतियों के और नेताओं के स्कूल हैं जो इतनी फीस ले रहे हैं कि आम पब्लिक के लिए वो पॉसिबल नहीं है पे करना। आज IIT रुड़की की फीस 50 लाख पेमेंट फीस हो गई है। क्या कल्पना करो कि क्या ये लड़का जो ये कैमरा से बात को कवर कर रहा है, क्या इसके घर का लड़का IIT रुड़की पढ़ सकता है? ये लड़के का बच्चा क्या रांची IIT में पढ़ सकता है? क्या इस लड़के का जो मेडिकल कॉलेज की 1 करोड़ रुपया 5 ईयर सेमेस्टर के जो है सी सेमेस्टर का फीस, क्या ये लड़का वहन कर सकता है? अर्थात ये जो पूंजीवादी व्यवस्था इंडिया क्या आप वहन कर सकते हैं? बता रहा हूँ, कर सकता हूँ। आपके बच्चे को अगर 50 लाख दे के IIT में पढ़ाना है? मेरी अपनी कमाई नहीं है। किसकी है? मेरे पूर्वजों की कमाई है। बात जानिए, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, वर्तमान परिवेश में देखिए होता क्या है, देश को गुलाम कैसे बनाया जाता है। जब मध्यम वर्गीय परिवार और गरीबों से शिक्षा को आप छीन लेंगे, उनसे वंचित कर देंगे, तो व्यक्ति सिर्फ खाने कमाने में लग जाएगा। कल्पना करिए, 400 का सिलेंडर 1000 का, 60 रुपया लीटर सरसों का तेल 200 का, 65 रुपया लीटर डालडा आज 175 रुपये का। अभी मैं 140 रुपये केवल आज 650 का है। हमसे ही पैसा लूटा जा रहा है और 5 किलो अनाज दे के ना, पर उन जिनकी कमर आप तोड़ दियो जो गरीब कहते हैं, आप 5 किलो अनाज देकर और चुनाव आकर लेबर कार्ड के नाम पर, श्रम कार्ड के नाम पर 1000 रुपये आप डोनेशन देकर, इसी वाला करप्शन कुछ कहा जा सकता है? आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम तो राजेश गुप्ता है। वकीलों के बीच में आए हैं। थक कैमरा इधर ले जाइए बाबू, थक कैमरा उधर ले जाइए। एक मिनट होल्ड कर, इस कैमरा को दिखाइए ना, इसको मैंने कवर कर लिया। कर लिया, ये आएगा आपके बातचीत के दौरान। ठीक है, आप देखेंगे ठीक चल रहा होगा। आज ये तो वाराणसी है, आप छोटे छोटे जनपदों में जाइए जहाँ पर हम जो है राज्य सरकार को एक बहुत बड़ी धनराशि, ठीक है, स्टाम्प ड्यूटी के नाम पर देते हैं। और आज अगर आप एडवोकेट एक्ट को पढ़िएगा, सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े नज़ीरों को देखिएगा, वहाँ पर अधिवक्ताओं को मूलभूत सुविधाएं देने की बात कही गई है, परंतु आज एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं है। लगभग 10 वर्षों से हमारा समाज एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू कराने के लिए मांग कर रहा है, और आए दिन
बिना वजह हम मुकदमा लड़ते हैं, अपराधियों के खिलाफ मुकदमा लड़ते हैं। और आज बहुतायत संख्या में आप देखेंगे प्रतिवर्ष कम से कम, जो आंकड़ा मैं बता रहा हूँ आपको, 12,000 वकील प्रतिवर्ष पूरे देश में मारे जाते हैं। क्यों? ये कत्लाना हमला जो होता है अपराधियों द्वारा होता है, और उनके द्वारा कोई प्रोटेक्शन नहीं। मैं समाज का प्रोटेक्ट करता हूँ, मैं आपको प्रोटेक्ट करता हूँ, मैं आपको प्रोटेक्ट करता हूँ, और गवर्नमेंट का ऐसा कोई इम्प्लाई नहीं है जो करप्शन या किसी भी चार्ज में फंसे जिनको प्रोटेक्ट मैं नहीं करता हूँ। सबको प्रोटेक्ट करने वाला पर्सन आज खुद प्रोटेक्ट के लिए लड़ रहा है, इससे बोल के बुरी और क्या हो सकती है। ये गर्मी आएगा, धूप देख रहे हैं, 40 डिग्री 45 डिग्री तापमान के हम यहाँ बैठे हैं, और हम राज्य सरकार को बहुतायत संख्या में बहुतायत करोड़ रुपया मासिक, और हमारे पास सुविधाएं के नाम का एक बाथरूम तक नहीं है। कैंपस में देख लीजिए, एक बाथरूम नहीं है, पानी पीने का कहीं आपको सिस्टम नहीं मिलेगा। तो अगर ये छोटी मोटी बुल भी सुविधाएं भी वकीलों को न मिले, मैं नहीं कहता कि नहीं वकीलों को आप 400 रुपया प्रति 3,000 रुपया आप मासिक दो, ई लाइब्रेरी दो, आज आपको ई लाइब्रेरी देना चाहिए, आप वो नहीं दे रहे हो। और दूसरी तरफ सिस्टम देखिए, बड़े तरीके से सिस्टम कैसे हटाया जा रहा है। आज बहुत सारे जो गैंगस्टर्स के गुंडाइट के मुकदमे जो थे, या 10 लाख रुपए ऊपर के जो टैक्सेशन के जो मुकदमे थे, आज प्रशासनिक अधिकारियों को दिया जा रहा है। मतलब चोर चोर मिश्रा भाई, कैसे एक थानेदार इनके खिलाफ लगाता है बीट रिपोर्ट कि यू आर गैंगस्टर, क्यों ना आपके खिलाफ आप कार्रवाई की जाए, और आप ही का कप्तान आपके गैंगस्टर होने का फैसला करेगा। तो कभी जो है आला कमान अधिकारी अपने छोटे अधिकारी का बात काटेगा? पहले क्या था, न्यायपालिका था, पुलिस प्रशासन या मजिस्ट्रेट कोई भी किसी के खिलाफ कोई रिपोर्ट करता था तो न्यायपालिका निष्पक्ष भाव से दोनों पहलुओं को देखता था। परंतु आज अखबारों में पढ़ने को मिल रहा है 500 जिला बदर कर दिया गया। अरे भैया, एक ही बार सुन के नो एविडेंस की तत्व आप कैसे कर सकते हो? अर्थात इस देश में तानाशाही फैल चुका है, और तानाशाह रूप खेतले समाज पर एकदम हावी हो चुका है, और अवर तबके के लोगों को एकदम मार रहा है, लोग बेहाल हो चुके हैं, और किसानों का हाल तो आप देख ही रहे हो, अधिवक्ता आपके सामने है। शुक्रिया, मैं आपसे यही जानना चाह रहा था। जी सर, एक सेकंड में आ रहा हूँ। यहाँ से देखिए, यहाँ पे लोकतंत्र है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर राजतंत्र करना चाहती है, प्रशासन के माध्यम से राजतंत्र। समझ रहे हैं कि इसको पूर्ण में समझाएं, मतलब विस्तृत समझ गया ना? और अब पूछिए कोई विधायक मंत्री के बारे में बताएं आपको, हम कुछ पूछिए हमसे, कुछ पूछिए। सर के पास से आता हूँ मैं। सर क्या समस्या है आपको? समस्या ये है कि बनारस को स्मार्ट सिटी बनाया गया है, ये आपकी जानकारी में है जी। आप बनारस के मेन रोड के अलावा गलियों में देख लीजिए, पूरी कॉलोनियों में नगर निगम का पानी उपलब्ध नहीं है। उदाहरण के लिए पंचशील नगर कॉलोनी, जो हमारे यहाँ के विगत रहे हैं, क्या नाम है उनका, क्या नाम है, सौरभ श्रीवास्तव जी, उनकी कॉलोनी के ठीक बगल में पंचशील नगर कॉलोनी है, उसमें 2020 का पत्थर लगा है कि रोड बनवाने का, शिलान्यास कर दिया गया, लेकिन आज तक रोड नहीं बनी। ठेकेदार को फोन करो तो कहता है कि भैया वो MLA साहब अपना कमीशन ले लिए, वो कमीशन ले लिए, अब मेरे पास क्या बचा है। वह 2 साल हो गया रोड नहीं बनी, और पूरी कॉलोनी में नगर निगम का पानी एक ड्रॉप नहीं चूता। और मैं उनका पड़ोसी हूँ, मैंने उनसे बार बार निवेदन किया, यहाँ तक कि DM के यहाँ एप्लीकेशन दिया, मुख्यमंत्री के यहाँ एप्लीकेशन दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं आज तक भाई। ये हमारी है स्मार्ट सिटी, जिसके एक सवाल मैं आपसे पूछूं। हाँ, आप वकील हैं, वकील है। सारा सिस्टम आप जानते हैं, हम जान रहे हैं, है ना? इस देश में 70-75 साल होने के बाद भी आम जनता गुहार लगाती रहती है सिस्टम में, जबकि वो तो मालिक है ना? यस। तो मालिक आपसे भीख क्यों मांगेगा सर? आपसे मतलब सरकार से भीख क्यों मांगना पड़ रहा है आपको भी? हमें भी मांगना पड़ रहा है, क्योंकि सिस्टम कोई सुनवाई नहीं करता। सिस्टम में इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार हो गया है, ठेकेदार कहता है कि उस सब की जो है मंत्री महोदय और सब लोग अपना कमीशन ले लिए, रोड आज तक नहीं बनी,
2020 का पत्थर लगा गया है, आप चाहे पंचशील नगर और ये टाटा कंसल्टेंसी सर्विस और विराट विला कॉम्प्लेक्स के बीच की रोड है। अब रोड पे बाहर लगा है 2020 का बोर्ड, लेकिन आज तक रोड नहीं बनी। दूसरी चीज, जहां विकास का नाम होता है, बनारस शहर में केवल 2 गवर्नमेंट स्कूल है, बाकी सब नेताओं के स्कूल हैं। 2 जो सरकारी वकील स्कूल हैं वो GGIC है और क्वींस कॉलेज है। क्या गवर्नमेंट को नहीं दिखाई देता? और बाकी जितने भी स्कूल हैं सब नेताओं या पूंजीपतियों के हैं, उनके यहाँ फीस के नाम पे कितनी लूट है ये आपसे बेहतर हम नहीं बता सकते। क्या मोदी जी और हमारे यहाँ के सभासद इतने अंधे हो गए हैं पैसे के लालच में कि 4 स्कूल नहीं खुलवा सकते? खरबों रुपया लगा के विश्वनाथ मंदिर निर्माण किया धर्म के नाम पे, धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। पब्लिक को क्या फैसिलिटी दिया गया? 10 स्कूल खुलवा दिए होते, 10 इंडस्ट्री खुलवा दिए होते। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम है राजकुमार धवन एडवोकेट।